आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहलिज्म के बारे में। तो अल्कोहल जो है WHO का क्राइटेरिया की बात करें तो इससे क्या होता है, 200 अलग अलग तरह की डिसीज़ होती है, 5% हेल्थ बर्डन रहे हैं अपने, है ना, और साथ में इससे 3 मिलियन डेथ होती है। तो इसकी एक होम्योपैथिक दवा वेरकस ग्लैंडिनम स्पिटियस, ठीक है, स्पिटस, तो ये क्वेरकस ग्लैंडिनम स्पिटस दवा की बात करेंगे। तो ये इंग्लिश ओक से बनाई जाती है। इसका प्रूविंग जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स अच्छे से समझ में आएंगे कि इसकी प्रूविंग जो है बर्नेट ने, रेड मेकर मेनली और बर्नेट, इन ये दो नाम सामने आते हैं। तो इसका क्या है कि जब इसका थोड़ी सी कहानी भी दी गई है कि एक पेशेंट आया था तो उसको क्या हुआ था कि बेली पेन होता था, तो उसमें वहाँ पे उस टाइम पे कुछ मिल नहीं पा रहा था, सिमिलिमम मिल नहीं पा रही थी। तो उसको बाद में जब वो पेशेंट कई सालों बाद आया तो उससे पूछा गया कि कैसे ठीक हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक सर्जन ने उनको एडवाइस किया था कि जो एकॉन्स होता है उसका टिंचर पीने के लिए सलाह दी गई थी, तो उससे वो ठीक हुआ था। तो फिर उन्होंने क्या की, इसकी प्रूविंग की। अब जब प्रूविंग की तो इसका मदर टिंचर बनाया गया स्प्रेड के साथ, और इस मदर टिंचर को किसको दिया गया, जो ओल्ड ब्रांडी ड्रिंकर्स थे जिनका स्प्लीन ख़राब हो चुका था, जिनको ड्रॉप्सी थी, एसाइड्स थे, एसाइटी वाली कंडीशन थी, तो उसमें दिया गया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो इससे ही समझ में आता है कि ये स्प्लीन की कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी, स्प्लीनोमेगेली की मेडिसिन है। देखो अल्कोहल लेते हैं तो लीवर ख़राब होगा, स्प्लीन ख़राब होगा, एसाइड्स देखने को मिलेगा, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस, ठीक है। तो इस मेडिसिन का भी इन्हीं कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जब इसकी प्रूविंग हो रही थी तो कुछ लोगों में इसमें ऐसा हेड में ऐसा सेंसेशन आ रहा था कि जैसे अल्कोहल के टाइम पे जो अल्कोहल लेने के बाद जैसा हेड में हेवीनेस वाला सेंसेशन होता है, उस तरीके के सेंसेशन इसमें देखेगा। अब इसको, ठीक है, पर ये 1-2 मिनट तक ही, जब इसको लिया जाता है तो 1-2 मिनट तक ऐसा लगता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। फिर कुछ लोगों में इसमें ये भी आया कि ये लेने के बाद क्या हुआ, इसका टिंचर लेने के बाद कुछ लोगों में यूरिनेशन जो है वो होने लगा, ठीक है, जैसे एसाइड्स है तो यूरिनेशन होने लगेगा, प्रोफ्यूज यूरिनेशन आएगा, तो इससे क्या इंडिकेशन बनता है कि वो ठीक हो रहा है, तो ये भी देखने को मिला। कुछ लोगों में डायरिया देखने को मिला, तो ये डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जो ब्रांडी ड्रिंकर्स है, अल्कोहलिज्म वाले लोग हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जिनकी अल्कोहल ले लेके जिनका लीवर स्प्लीन सब ख़राब हो चुका है, जिनमें है ना एसाइड्स वाली कंडीशंस आ गई है ना, उन लोगों में ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करेगी। क्वेरकस दीजिए उसको, मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स, ठीक है, दिन में 3-4 बार इसका मदर टिंचर दिया जाने का इंडिकेशन है। और इसका कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इसमें भी यूज़ किया जाता है, स्प्लीनिक ड्रॉप्सी, मलेरिया की वजह से अगर स्प्लीन ख़राब हो जाए, तो अल्कोहल के लिए, अल्कोहलिज्म के लिए तो ये इंडिकेटेड है ही सही, पर स्प्लीन की मेडिसिन है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या कराया है कि टेक अवे द क्रेविंग फॉर द अल्कोहल, भाई क्रेविंग को छुड़ाने में भी हेल्प करेगा। वटाइगो अपन देखते हैं ना, अल्कोहलिज्म के बाद चक्कर आना, कन्फ्यूज़न होना, डिलीरियम, इन सारी कंडीशंस में। रूब्रिक्स की बात करें तो जैसे मेनिया एपोटू में आती है, इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग में आती है ये मेडिसिन, है ना, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, फिर अल्कोहल हैबिट को छुड़वाने के लिए, तो ये सारे रूब्रिक्स में को भी कवर करती है। और इसके साथ में हाँ, तो यही सब इसके रूब्रिक्स हो गए कि जैसे अल्कोहलिज्म वाली कंडीशंस है उन सारी कंडीशंस के लिए सोच सकते हैं इसका। इसकी प्रूविंग में बहुत सारे, कई जैसे गाउट के लिए भी है ना, गाउट में भी इसका इंडिकेशन बनता है कि गाउट और अल्कोहलिज्म जब साथ में देखा जाए तो वहाँ पे भी इसका यूज़ बनता है, ठीक है। तो गाउट, ट्रॉपिकल कंडीशंस हो गई, गाउट हो गया, एसाइड्स हो गए, इनमें यूज़ कर सकते हैं इसका क्वेरकस, ठीक है, क्वेरकस ग्लैंडिनम स्पिरिटिकस।